लाइव देख रहे हैं आप, बिहार में जातीय जनगणना उचित है या नहीं, ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। पर इन दिनों बिहार में सब मुद्दे पर महाभारत छिड़ा हुआ है। दरअसल एक तरफ महागठबंधन सरकार जातीय जनगणना शुरू करा चुकी है, तो दूसरी ओर भाजपा सहित कई पार्टियां इसके खिलाफ आवाज उठा रही है। इसी कड़ी में अब चुनावी रणनीति कार्ड सब मुद्दे पर नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार हमला हो रहा है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर समाज की बेहतरी के लिए, समाज की अच्छाई के लिए कोई सर्वेक्षण हो तो उसका स्वागत किया जाएगा और उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन बिहार की जातिगत जनगणना सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है और इसे समाज के किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा, साफ कहा कि इससे समाज का या समाज के किसी वर्ग का कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि इस जनगणना का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि समाज को उलझाकर अगला चुनाव निकाल लिया जाए, बस यही मकसद है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि बिहार में जातिगत जनगणना ने से क्या परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने कहा कि पहले ये बताइए कि इस जनगणना से जो है क्या परिवर्तन होने वाला है। प्रशांत किशोर ने सवाल किया कि अगर जातिगत जनगणना में किसी जाति की आबादी का पता चल जाता है तो उसकी बेहतरी के लिए क्या योजना है, क्या सरकार के पास। उन्होंने कहा कि देश में हर 10 साल में दलितों की आबादी के संवैधानिक तौर पर गणना होती है, तो क्या इससे दलितों की स्थिति सुधर गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को नीतीश कुमार की नीति और नियत समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीति करने के लिए जातिगत जनगणना का ड्रामा किया जा रहा है। देखिए, इसे ड्रामा बताया जा रहा है जातिगत जनगणना को। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले भी नीतीश कुमार बिहार के कई जातियों को बेवकूफ बना चुके हैं, पहले दलितों में फूट डाला और महादलित वर्ग बना दिया, बाद में दलितों की सारी जाति को ही महादलित बना दिया, लेकिन उससे दलितों का क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश की इस चाल से दलितों के बीच आपसी फूट जरूर हो गया, जिससे नीतीश कुमार को इसका राजनीतिक फायदा मिल गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार 17 सालों से बिहार के सीएम हैं और अगर जातीय जनगणना इतना ही जरूरी है फिर ये 17 सालों में क्यों नहीं कराया गया। अगर जरूरी था तो पिछले 17 सालों में भी कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने बीजेपी पर दबाव डालकर जातीय जनगणना को कानून अधिकार क्यों नहीं दिलाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लोग जाति की भी राजनीति नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि लोग जाति की भी राजनीति नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर जाति की राजनीति करते तो भी अपनी ही जाति के लोगों को आगे बढ़ाते, उसे मौका देते, लेकिन ये लोग परिवार की राजनीति करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि क्या लालू यादव ने यादव जाति के किसी योग्य युवा को कमान सौंपा, क्या लालू यादव के कारण यादव समाज समृद्ध हो गया। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार जरूर समृद्ध हो गया। इस तरह जातीय जनगणना पर प्रशांत किशोर ने जमकर गुस्सा निकाला है। अब देखना यह है कि इस जनगणना का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये रिपोर्ट तीसरी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर हो गया। आप सब लगा दीजिए। नमस्कार।